ये भाई एसी का DI 6565 V2 V2 का क्या मतलब भाई सब इसमें, जैसे V2 का V2 के अंदर कुछ नए फंक्शन दिए भाई जो पहले वाले ट्रैक्टर आते थे उनसे, है ना जी। और 65 HP के अंदर है, 4087 cc का इसका इंजन है ट्रैक्टर का, एसी का। और ट्रैक्टर लुक में देख सकते हैं काफ़ी शानदार है, 7.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज के है ये ट्रैक्टर। थोड़ा कम ज़्यादा आप मौके पर डीलर से बात करके कर सकते हैं। एंड ट्रैक्टर की ओवरव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बना रखा है, बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखा है बैठने के लिए, और हाइट काफ़ी ऊंची है। देखिए टायर तो इसके अंदर शायद 16 के हैं, 16 28 के हैं, और फ्रंट वाले 7 16 के हैं। और यहाँ पर फ्रंट में वेट की देखिए, यहाँ पर 4-5 प्लेटें दे रखी हैं, ये भी अच्छा काम कर रखे हैं भाई। 4x4 के अंदर लगभग 80-90 हज़ार रुपये इसमें ज़्यादा लग के और 4x4 मॉडल आपका आ जाएगा। तो ट्रैक्टर का ओवरव्यू देखिए आप, DI 6565 V2। और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी लगी हमें इस ट्रैक्टर की, देखिए थोड़ा विदेशी लुक के हिसाब से ट्रैक्टर बना रखे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी शानदार है। और ऊपर चढ़ने का प्लेटफॉर्म तो आपको दिख ही रहा है भाई, बहुत ही बड़े ट्रैक्टरों की तरह बना रखे हैं। मड गार्ड लगा रखे फ्रंट में, डबल एक्टिंग स्टेयरिंग दे रखे आपका, और 1 2 3 4 सिलेंडर इंजन है भाई अपना 65 HP का, ठीक है। और वही सिंपल है इंजन में, कोई जैसे इनलाइन पंप के साथ है, DI इंजन है। और 24 स्पीड है भाई इसके अंदर, देख ले यहाँ पर मेंशन कर रखा है कंपनी ने एसी का, 24 स्पीड EPI ड्राइव है, 3 गियर वाला। और कस्टमर ये इनका कस्टमर हो गया, तो ऊँचाई काफ़ी बना रखी है भाई, देखिए यहाँ पर भी हम जैसे खेल करके देखते हैं, ट्रैक्टर काफ़ी ऊँचा है। और प्लेट कितने वेट की है जी इसके अंदर? 90 kg। ये भाई एक प्लेट लगभग 40-45 kg की है, 40-45 kg की है। और उसके साथ लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 2200 kg देती है कंपनी। एंड इसके अंदर PTO का ऑप्शन अगर बात की जाए तो PTO ऑप्शन है इसमें, हाँ 540 है, और उसमें 540 E है, इकोनॉमिक। अच्छा इकोनॉमिक है, जिसमें तेल का खर्चा कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल इकोनॉमिक दे दिया भाई इसके अंदर। और यहाँ पर ये किस लिए दे रखा है PTO का? ये गियर शिफ्टिंग के लिए है, मतलब 540 RPM सिलेक्टेड गियर, ठीक है, बीच में न्यूट्रल है, और उससे 540 से एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कर सकते हैं 540 को। हाँ जी, ओके ओके ओके। यही से इसमें PTO या फिर आगे लीवर है कोई? लीवर यहाँ है, मेन लीवर ये है, ठीक है, सिलेक्ट लीवर ये है, सिलेक्टिव ये है भाई, मेन लीवर यहाँ पर दे रखे है। तो पीछे का 4 ऑक्सिलरी वाल्व दे रखी है यहाँ पर, काफी अच्छा चीज हमें लगी इस ट्रैक्टर की। और पीछे का कवर है सारा सिस्टम, यहाँ पर आपको थोड़ी सोलियत देखने को मिलती है ट्रैक्टर के अंदर। यहाँ पर LEDs का यूज़ किया गया भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटों के अंदर LEDs दी गई हैं ट्रैक्टर के अंदर। और वो मिल जाएगी 3 लिंक की सेंसिंग है इसकी, सेंसिंग। तो बीच का प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो भाई काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, देखने से ही पता लग रहा है। ये देखिए थोड़ा रिच लुक आनी चाहिए भाई किसान को, ऐसा इस ट्रैक्टर को बना रखा है। एंड साइलेंसर के हिसाब से आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है इस ट्रैक्टर की, अभी आपको इसकी सलफ मार के दिखाएंगे ट्रैक्टर की। एंड इसका बोनट उठाकर दिखाते हैं एक बार, बोनट उठाना जी। ये देखना भाई इसके अंदर एसी का फ्रंट में जालियाँ ये हैवी वाली दे रखी है, इनको क्या बोलते हैं ये जी? रेडिएटर। नहीं रेडिएटर तो बोलते हैं, ये जाली और तरह की है ना थोड़ी, हाँ हैवी में है। हाँ जी हाँ जी, चेंजिंग है जी, चेंजिंग है, निग्गर है जी। हाँ निग्गर है, बिल्कुल बिल्कुल है। नहीं कहीं मैं एल्यूमिनियम वाली दे देते हैं वो नरम है। और एक साइड की भाई आपको 88 की बैटरी मिल रही है, 88 AH की। और फ्रंट में बैटरी है, ड्राई एयर क्लीनर आपका, 4 सिलेंडर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कूलेंट का हो गया भाई, तेल का हो गया, स्टेयरिंग ऑयल है ना शायद, स्टेयरिंग ऑयल हो गया बिल्कुल, हाँ हाँ EGR हो गया भाई, टर्बो नहीं है, टर्बो नहीं है, EGR दे दिया, EGR भी लगभग काफ़ी मददगार है ट्रैक्टर में। और यहाँ पर चलिए आपको ऊपर का थोड़ा सा दिखाते हैं, ऊपर चढ़ के ट्रैक्टर के। अच्छा मैट दे रहे, कंपनी मैट दे रही है भाई साथ में, और एक बार इसकी चाबी मंगवा दो। ये हीट गार्ड लगा रखे हैं देखिए यहाँ पर, तो पीछे की तरफ अभी गर्म हवा का तो कोई वो नहीं होगा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर चढ़ गए भाई ट्रैक्टर के, यहाँ देखिए कंफर्टेबल काफ़ी ध्यान में रखी गई है, चौड़ी सीट है और हाइट के हिसाब से नीचे रखी गई है, ट्रैक्टर की हाइट ऊंची ज़्यादा है। और यहाँ पर आप साइडों में एक एक दो दो व्यक्ति आराम से बैठ सकता है।
गियर की बात करें तो भाई यहाँ पर रिवर्स गियर है और फॉरवर्ड है। ये शटल है, इतनी आगे शटल गियर है ना। अच्छा शटल है यहाँ पे होता है, आमतौर पर यहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर दे दिया वो। ठीक है जी, ठीक है, ओके। सिलेक्ट गियर। अच्छा इसका हाई लो है ना, ये हाई लो मीडियम, हाई लो मीडियम है। और भाई ये चार गियर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा सर। और उसके साथ यहाँ पर हमारे ये पार्किंग ब्रेक है और ये इंडिपेंडेंस पीटीओ क्लच, ये पीटीओ क्लच है भाई लाल वाली, ये पार्किंग है आपका, ये पार्क पीटीओ चेंज करने का है। ओके सर, यहाँ पर साइड में बैठ के अगर देखते हैं तो ये हमारे ऑक्सिलरी वाल्व जो है उनको कंट्रोल करने का भाई, देखो ये देखिए। और गियर यहीं पे दे दिया, आइलो वैसे दोनों साइड में होता है लेकिन इसमें एक शटल साइड में दे रखा है तो उसका यहाँ पर फर्क किया गया है। ओके डिफरेंशियल तो भाई बहुत ज़रूरी है इसके अंदर ट्रैक्टर में। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल है, बिल्कुल हल्का सा पुश से ये काम करने लगता है। ये भाई डैशबोर्ड देखिए इस ट्रैक्टर का, काफ़ी शानदार है। डैशबोर्ड के अंदर आपको ऑयल प्रेशर, ऑयल प्रेशर हो गया, ये फ्यूल का हो गया, ठीक है, ये आरपीएम राउंड पर मिनट, और ये बैटरी का नीचे वाला, और ये आपका टेम्परेचर। ओके सर, ओके। तो भाई सभी आपको इसके अंदर फंक्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, एक बार आपको मीटर दिखाते हैं। डिजिटल में कुछ आवर दिखाएगा भाई आपको शायद, ये देखिए भाई आवर दिखा रहा है यहाँ पर, केवल 7-73 घंटे चल रहा है ट्रैक्टर। इसमें जो ये है आपका एयर क्लीनर है, ड्राई एयर क्लीनर। अच्छा जी, अच्छा इंडिकेशन के लिए, इंडिकेशन है यहाँ पर बैटरी का हो गया का। और ये साइड लिफ्ट का हो गया, ठीक है। और ओके इंडिकेटर लाइट वगैरह के भी हैं इसके अंदर, पार्किंग स्विच हो गया भाई ये। और ट्रैक्टर भाई ये क्लच जो है काफ़ी अच्छी लगी हमें, ऊपर वाली है जी, जिसमें आराम रहता है किसान को लंबे समय तक काम करने के लिए, ब्रेक भी ऊपर से ही आते हैं इसके। तो प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं भाई, प्राइस रेंज इस ट्रैक्टर का टू व्हील ड्राइव के अंदर है, निकाल लो जी चाबी। टू व्हील ड्राइव के अंदर है भाई इस ट्रैक्टर का 7.5 लाख रुपये प्राइस। और ये देखिए भाई 7.5 लाख रुपए प्राइस रेंज का ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव के अंदर, फोर व्हील जैसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको एसी। और कैसा लगा आपको ट्रैक्टर हमें कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।